हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और दुर्गा पूजा की सबको बहुत सारी बधाई। पता है मुझे वीडियो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। अष्टमी का दिन है और मैं तैयार होकर फटाफट से मंदिर जा रही हूँ। मंदिर में बहुत ज़्यादा काम होता है हम लोगों का। सो यहाँ पड़ी है और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। अंजलि देंगे हम लोग। तो वो बेल्ट नहीं पहने हैं क्योंकि बेल्ट चमड़ा का कोई भी सामान पहनकर अंजलि वगैरह नहीं दिया जाता है। और यहाँ भोग का तैयारी हो रहा है, जैसे देख रहे हैं खाना बन रहा है। एक तरफ फल का भोग रेडी हो रहा है और मैं मंदिर में हूँ। तो यही सब के लिए मुझे जल्दी आना पड़ा। और बस पूजा स्टार्ट हो गया है तो मैं मंदिर के अंदर बैठी हुई हूँ। पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो मैं बहुत शॉर्टकट में वीडियो शूट कर पाई हूँ। मतलब करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। शूट जो भी थोड़ा की हूँ। और ये मैं घर आई थी तो देखी मेरी बेटी कुमारी खा रही है, तो बस अच्छा लग रहा था तो हल्का सा वीडियो ले ली मैं उसका कुमारी खाते हुए। देखो कुछ तो खाती है नहीं। और ये आ गया शाम का। हम लोग शाम में निकले थे घूमने के लिए तो उसी टाइम का है ये। हल्का हल्का सा पंडाल गए थे जहाँ पर भीड़ नहीं था तो उसी का ये। अच्छा लग रहा था। हम लोग बहुत देर यहाँ बैठे और भगवान जी को देख रहे थे, परी खेल रही थी तो अच्छा लगा। इस बार दुर्गा पूजा बहुत गर्मी था, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो एकदम परेशान थे हम लोग गर्मी से। फिर भी बच्चे को तो थोड़ा घुमाना है तो बस परी को हम लोग थोड़ा घुमा रहे थे। और यह था परी अपना बॉल खरीद कर आई है और उसको अब किचन सेट चाहिए। उसको किचन सेट दिख गया है तो पूरा परेशान कर रही है किचन सेट के लिए। अपने पापा को पूरा खींचा टानी चल रहा है कि मुझे किचन सेट चाहिए, मुझे अब ये बैलून नहीं चाहिए। तो बच्चे लोग का ऐसा होता है, जिनके भी बच्चे हैं उनको पता होगा। तो उसको बैलून नहीं चाहिए, बैलून पकड़ तक नहीं रही थी। बोल रही थी तो पापा को मुझे ले चलो, मुझे किचन सेट चाहिए। फिर मेरे पीछे पीछे अपने पापा के साथ आ गई तो वो देख रही है कि मैं मंदिर में थी। और ये पूरी हलवा बनाया गया है अभी रात में गरम गरम, भगवान जी को भोग लगाया इसके लिए। Thank you.
और ये नवमी की रात का थोड़ा सा है, जब हम लोग शाम में घूमने निकले थे नवमी के दिन बहुत ज़्यादा गर्मी था, मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई आप लोगों के लिए। और मेनली क्या होता है, काम करना होता है तो मोबाइल को लेके करना नहीं कर पाती हूँ, और कोई कर दे वैसा कोई था नहीं। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह में जल्दी से, मतलब मैं उनको कैमरा कर दे रही हूँ कि मोबाइल लीजिए तो वीडियो कर दीजिए, तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। और बस जो मैं कर पाती हूँ उतना ही आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पड़ी कॉटन कैंडी खाते हुए, छोटा सा यहाँ एक मतलब मंदिर है और वहाँ पे मेला टाइप का लगा हुआ था जो कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो बस पड़ी को हम लोग लेके इधर उधर घूम रहे थे और उसको कॉटन कैंडी खाना था और बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी तो जैसे बोल रही हूँ बहुत, 4-5 दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा था। तो बस पड़ी को लेके थोड़ा हम लोग घूमने के लिए आज भी निकले हुए थे। और यहाँ चल रहा था डांस प्रोग्राम, आप लोग जैसे देख रहे हैं चेयर लगा हुआ है बट चेयर में भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे लोग डांस कर रहे थे। तो बस यहाँ का पूजा बहुत छोटा छोटा होता है, तो लेकिन जो भी होता है मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, बहुत ज़्यादा भगवान का सेवा करके ही दिन निकल जाता है, पता चल रहा है। और ये देखिए आरती हो रही है, और हम लोग ये पंडाल में आए थे घूमने के लिए, तो ये आश्रम पाड़ा बोलते हैं इसको। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, जो मुझे मतलब मैं यहाँ 5 मिनट क्या नहीं रुकी, 5 मिनट भी नहीं रुकी थी, बस मास्क पहन के हम लोग निकले। अब आए हैं तो दुर्गा माँ का दर्शन करे बिना कैसे निकल जाए, बट बहुत ज़्यादा भीड़ था और हम लोग फटाफट से यहाँ से निकल गए क्योंकि मुझे पड़ी को भीड़ में बिल्कुल भी नहीं रखना था। तो हम लोग फटाफट से यहाँ निकल गए, हल्का सा मैं वीडियो शूट की, बस निकल गए हम लोग। और ये मैं रहा वहाँ के मंदिर आई हुई हूँ, और ये है विजयदशमी के दिन का, मतलब विसर्जन जिस दिन होता है उसका मॉर्निंग का है। 10 बजे मैं रहा के मंदिर आ गई थी क्योंकि हमें बहुत सारा भोग बनाना था जो चढ़ता है माँ को, और बहुत सारा नियम वगैरह था जो मुझे करना था। तो फटाफट से मैं मंदिर आ गई थी और बस पूजा पाठ यही, और कोई आए नहीं थे तो मुझे इंतजार करना पड़ता कि सब आए, और यही भोग बनाए थे हम लोग, यही चढ़ता आज के दिन, तो ये चढ़ा और बस आज का दशमी का यही था। और ये सिंदूर पहनाने के लिए मैं आई हूँ दुर्गा माँ को, और मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाया इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी।